लोग का समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं जो आज की क्लास बहुत ही ज़रूरी है। पहला था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन हुआ? पास्ट टेंस। दूसरा क्या था? पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या हुआ? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को हुए चार चार बेटा। कितना बेटा दोस्त? चार चार बेटा। पहला हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या हुआ दोस्त? पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार दोस्त पास्ट टेंस को भी चार, पास्ट टेंस का भी चार बेटा है। ठीक है, पहला पास्ट इंडिफिनिट, दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट, दूसरा क्या हुआ दोस्त? पास्ट इम्परफेक्ट। तीसरा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्त और फ्यूचर टेंस में देखते हैं, फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया। पहला फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और दूसरा है दोस्त फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्त आज हम बता रहे हैं क्या मैजिक ऑफ टेंस रूल, जितना है टेंस का रूल हम आपको मैजिक जादू की तरह बताएंगे जो आप ज़िंदगी भर दोस्त नहीं भूल पाइएगा। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्लीज, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। हम जानते हैं आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, लेकिन आप इस 10 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखिए पूरा। टेंस के तीन बेटा हुआ, एक प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ, फिर प्रेजेंट टेंस को हुआ चार बेटा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। फिर पास्ट टेंस को भी हुआ चार बेटा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर टेंस को भी चार बेटा हुआ, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है तो पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस उसका था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसका तो पहचानने का तरीका देखिए, पहचानने का तरीका, और इधर हम लिख देते हैं रूल। ठीक है, चलिए प्रेजेंट पहचानने, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ETC मतलब आदि रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में से रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट।
प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार होता है हम बता दिए हैं। उसके पहला बता रहे हैं कि उसको पहचानने का तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो पहचानने का तरीका है उसको हम पहचानेंगे कैसे कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं रहेगा तो इस वाक्य हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। रूल है सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस सब्जेक्ट और दूसरा अगर निगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट। ठीक है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका देखिए। पहले पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे उसके बाद रूल। ठीक है दोस्त तो अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे जिस वाक्य के अंत में रहा है और रही है रहे हैं इत्यादि रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है दोस्त कैसे पहचानेंगे जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं तो हम पहचान जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। अब इसका रूल देखते हैं। रूल है दोस्त कि सब्जेक्ट प्लस ईजी एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका बता दिए रहा है रही है रहे हैं और उसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर उसी को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य को निगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह हम बनाएंगे दोस्त। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस वाक्य को इसके वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे पहचानने का तरीका क्या है उसके बाद दोस्त रूल। पहचानने का तरीका है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है चुकी है चुके हैं या है ई है इटीसी रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। और अब इसका बनाने का तरीका क्या रूल वो देखिए दोस्त। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको नोट में नहीं बनाएंगे तब रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या है दोस्त चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस का वाक्य को पहचानना है पहचानने की तरीका और उसके बाद दोस्त रूल। पहचानने का तरीका है दोस्त कि ता आ रहा है ती आ रही है ते आ रहे हैं इटीसी इत्यादि रहे तो हम समझ जाएंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पहचानने का तरीका क्या बताएं दोस्त ता आ रहा है ती आ रही है ते आ रहे हैं तो हम पहचान जाएंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और रूल है दोस्त कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। अगर इसी को निगेटिव में अगर नहीं बनाएंगे तो वाक्य निगेटिव नहीं रहेगा तो आप बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो इस तरह आपको दोस्त रूल बना सकते हैं और आपको याद रख सकते ज़िंदगी भर आप नहीं भूलिएगा दोस्त। पास्ट
इंडिफिनिट टेंस क्या है दोस्त? पहला प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, इस टेंस को भी पहचानने का तरीका जानेंगे, पहचानने का तरीका क्या आप दोस्त पढ़ेंगे? पहचानने का तरीका, ठीक ना। ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आकर, दीर्घिकार, हर्षिकार, इटीसी, ये सब रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसका दोस्त रूल देखते हैं। रूल है, आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्त कि देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूछ सकता है, बहुत लोग फंस जाता है, पूछता है कि निगेटिव वाक्य क्या बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो कुछ से कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना है, हम आपको बता रहे हैं। तो चल देखते हैं, रूल है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, इन बिना निगेटिव वाला है, इसको अफर्मेटिव कहते हैं, और निगेटिव वाला बनाना है तो निगेटिव में देखिए क्या होता है, आप लोग झूठ मूठ के गलती करते हैं। तो निगेटिव रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रूल आपको दोस्त निगेटिव रूल बनाता है। अब आपसे कोई पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव रूल कैसे बनेगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूछेगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस पहला रूप प्लस सब्जेक्ट, तो इस तरह आपको याद रखना होगा। ये दोनों बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं दोस्त, ठीक ना। चलिए आगे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में ना, चलिए जल्दी जल्दी देख लेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या आप दोस्त पढ़ेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका क्या है इसका दोस्त? रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि रहे, तो हम समझ जाएंगे ये वाक्य किसका है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। अब रूल देखते हैं दोस्त, क्या देखेंगे रूल? देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का, इसमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट नहीं रहेगा तो दूसरा रूप बना सकते हैं, इसे लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस सब्जेक्ट, आपका रूल बन गया दोस्त पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस वो निगेटिव बनाएंगे, अगर वाक्य में निगेटिव रहेगा नहीं रहेगा तब हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस सब्जेक्ट, या अगर निगेटिव नहीं है तब बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना दोस्त। चलिए तीसरा देखते हैं दोस्त, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका, अब क्या पहचानने का तरीका दोस्त? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, इटीसी इत्यादि रहे, तो हम समझेंगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है दोस्त, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब रूल इसका देखते हैं दोस्त, बनाने का तरीका क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य आपको आप पहचान रहे लेकिन निगेट नहीं दे देगा तो निगेटिव में कैसे बनेगा, तो वो वाक्य देख लीजिए निगेटिव वाला, निगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त, निगेटिव रूल बनाने का। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का,
चौथा क्या है दोस्त रूल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या दोस्त टेंस। चलिए इसमें देखते हैं पहचानने का तरीका क्या है दोस्त, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का तरीका। जिस वाक्य के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, इटीसी इत्यादि रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है दोस्त, आप पहचानने का तरीका अति सॉरी सॉरी रूल देखते हैं दोस्त, क्या रूल जो आप बनाते हैं उस रूल को देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है दोस्त, अगर इसी में निगेटिव वाला नहीं रहेगा तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक दोस्त, तब ये हो जाएगा बिना नोट वाला फार्मूला बिना ये नोट वाला। ठीक ना, तो इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप याद रखिएगा दोस्त। ठीक ना, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का हम पहचानने का तरीका जानेंगे दोस्त। ये जो हम बता रहे हैं अगर ये दोनों आपको याद रख लिया, पहचानने का तरीका और रूल किस वाक किस टेंस में, तो आपका भी टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत हुआ तो आप हमारे प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए पूरे टेंस के बारे में। पहचानने का तरीका देखिए क्या है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, कि गा गे गी जिस वाक्य के अंत में रहेगा तो वह वाक्य आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में समझिएगा, वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। रूल जो दोस्त बनाए इसका जो है, अगर रूल आपको याद रखना है तो रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ बिना नोट वाला, मतलब जिसको आप अफर्मेटिव कहते हैं। अगर निगेटिव बनाना है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव रूल बन जाएगा। ठीक ना, अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, क्या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस इसको देखते हैं पहचानने का तरीका। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका देखिए, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका क्या है, और हम आपको बता दिए दोस्त फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, अगर मैं प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा तो उसमें शैल और विल कहाँ लगता है, हैज हैव कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है, आई वी के साथ क्या लगता है, हम आपको सब चीज़ बता दिए दोस्त। इस वीडियो में उतना नहीं बनाए, देखिए लंबा हो जाएगा दोस्त। पहचानने का तरीका है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इत्यादि रहे तो हम समझ जाएँ कि ये वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का। ठीक ना दोस्त, ये वाक्य क्या है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का, क्या कैसे ता रहेगा, ती रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। अब इसका देखिए रूल दोस्त, क्या हम रूल देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव वाला रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको नेगेटिव रूल है दोस्त। ये रूल जरूरी याद रखिएगा दोनों, जितना भी हम बता रहे इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। तो फ्यूचर
अब नेक्स्ट है फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है दोस्त? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका देखिए क्या है दोस्त। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम पहचानेंगे कैसे? तो जिस वाक्य के अंत में चुकेंगे इत्यादि रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और रूल देखते हैं दोस्त, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये नोट वाला, बिना नोट वाला बनाना है ये अफर्मेटिव हुआ। अब निगेटिव बनाना है, ये निगेटिव हुआ, अफर्मेटिव बनाना है। रूल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का पहचानने का तरीका देखते हैं। पहचानने का तरीका, जिस वाक्य के अंत में ता हुआ रहेगा, क्या हो रहेगा? ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुआ रहेगा, तो इटीसी। तो इससे ऐसे वाक्य के अंत में ये सब रहे ता हुआ रहेगा, ती भी रहेगी, तो हम समझ जाएंगे ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो रूल, अब इसका रूल देखिए दोस्त क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। इसका रूल है दोस्त कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। यह अफर्मेटिव है दोस्त। निगेटिव रूल देखते हैं। निगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम।